गोवा जो कि फेमस है अपने मैजेस्टिक बीचेस, एडवेंचर एक्टिविटीज, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स एंड टेस्टी सी फूड के लिए, और आज अंडाउटली इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन में से गिना जाता है। स्पेशली इस टाइम जब विंटर आने ही वाला है, गोवा में टूरिस्ट की संख्या और होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है। सो अगर आप भी गोवा विजिट करने वाले हो और यहाँ के बेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट के बेस्ट डील को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So hello guys, this is Sumi and welcome back to our channel Deep Sumi Vlogs, when you can find anything and everything related to tours and travels. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ गोवा के टॉप 10 होटल्स एंड रिजॉर्ट के बारे में, जहां हमने सारे होटल्स को 1000 rupees से लेके 5000 rupees के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। एंड डोंट वरी, अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करने के लिए सोच रहे हो तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में नॉर्थ गोवा के टॉप 10 रिजॉर्ट्स वाले वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहो तो हमारे चैनल में जाके इन वीडियो को चेक कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, हमने ये लिस्ट करंट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है, तो टाइम्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो सकती है। हैविंग सेड दैट, लेट्स क्विकली बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो गाइस, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप साउथ गोवा में एक बेस्ट बजट होम स्टे में स्टे करना चाहते हो तो आप अगुंडा हॉलीडे होम में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 1000 rupees में ही देखने को मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 800 rupees देखने को मिल जाएगा। ये होम स्टे साउथ गोवा के अगुंडा बीच रोड में लोकेटेड है और ये एक सी फेसिंग होम स्टे भी है। अब बात करें यहाँ की कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम्स काफ़ी स्पेसियस एंड फुल नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस होम स्टे में आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको एक ब्यूटीफुल सा सी फेसिंग सिटिंग एरिया एंड शाम के वक्त बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, बट इस होम स्टे में पार्किंग अवेलेबल है और यहाँ आउटसाइड फूड एंड अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। हमारे लिस्ट के नंबर 9 में आता है आनंद योगा विलेज पैलोलम होम स्टे, जो कि आपको 1000 rupees में ही देखने को मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस होम स्टे का प्राइस आपको 640 rupees देखने को मिल जाएगा। ये होम स्टे साउथ गोवा के आउरम रोड में लोकेटेड है एंड यहाँ से पैलोलम बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1.8 kilometers है। इस होम स्टे में आपको वुडन रूम्स देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ एक छोटा सा बैल्कनी भी दिया जाता है। एंड यहां आपको आउटडोर एरिया भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सिटिंग एरिया, बार, कॉफी शॉप, योगा क्लास एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस होम स्टे में रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप साउथ गोवा में 1000 to 2000 rupees के प्राइस रेंज में ब्यूटीफुल सा होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप कॉलबा रेसिडेंसी होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, और अगर आप इस टाइम यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम 1840 rupees में ही देखने को मिल जाएगा। ये होटल साउथ गोवा के कॉलबा बीच में लोकेटेड है और ये एक सी फेसिंग होटल भी है। अब यहाँ के कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ सी फेसिंग बैल्कनी भी दिया जाता है। इस होटल में आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट एंड फ्री पार्किंग एरिया जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है, बट अगर आप अनमेड कपल्स हो तो आप भी इस होटल को बुक कर सकते हो। अब अगर आप अपने गोवा ट्रिप को और भी खास और यादगार बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली द बाइक ऑल्ड एंकर बीच रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1000 to 2000 rupees के प्राइस रेंज में। और अगर आप रिसेंटली यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 800 rupees देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट कैब्रोशिम बीच से सिर्फ 2 kilometers के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो इस रिजॉर्ट को खास बनाती है इसके ब्यूटीफुल सा शिप स्टाइल आर्किटेक्चर। यहाँ आपको रूम्स काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, सिटिंग एरिया, बार एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और यहां अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप नेचर लवर हो और आप नेचर के बीच स्टे करना पसंद करते हो तो कोकोनट ग्रोव ब्रिज रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि आपको 2000 to 3000 rupees के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम का प्राइस 2980 rupees देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट साउथ गोवा के कोकोनट ग्रोव रोड में लोकेटेड है एंड ये एक सी फेसिंग रिजॉर्ट भी है।
अब अगर इस रिजॉर्ट की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफ़ी स्पेसियस एंड बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया में आपको ब्यूटीफुल सा गार्डन भी देखने को मिल जाएगा एंड गार्डन के साथ साथ यहाँ आपको स्विमिंग पूल, सनडेक सीटिंग एरिया, पूल साइड डाइनिंग एरिया, बार, प्राइवेट बीच एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे सारी लग्जरी फैसिलिटी मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमैरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के नंबर 5 में आता है सेलसिट बीच रिजॉर्ट, जो कि आपको 2,000 to 3,000 rupees के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 2,950 rupees देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट साउथ गोवा के कोलवा बीच से सिर्फ 359 meters के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो यहाँ आपको रूम का कंडीशन काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको कंफर्टेबल एंड कोजी वाला फील आएगा। रूम में आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक बैल्कनी भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस रिजॉर्ट के ब्यूटीफुल से गार्डन का व्यू ले सकते हो। यहाँ के आउटडोर एरिया में आपको स्विमिंग पूल, पूल साइड सिटिंग एरिया, बार एंड आउटडोर एक्टिविटीज जैसे सारी लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमैरिड कपल्स हो तो आप भी इस रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हो। सो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप साउथ गोवा में एक लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो, तो आप लॉन्गिनियोस बीच रिजॉर्ट में अपना स्टे कर सकते हो, जो कि आपको 3,000 to 4,000 rupees के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 3,200 rupees देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट साउथ गोवा के कोलवा बीच में लोकेटेड है और ये एक सी फेसिंग रिजॉर्ट है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफ़ी ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ सी व्यू बैल्कनी भी मिल जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट कोलवा बीच से कनेक्ट करती है। साथ ही यहां आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया, बार एंड बेकरी जैसे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमैरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहां आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है साउथ गोवा के काफ़ी पॉपुलर होटल द गोल्डन क्राउन होटल, जो कि आपको 3,000 to 4,000 rupees के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस होटल का प्राइस आपको 3,400 rupees देखने को मिल जाएगा। ये होटल साउथ गोवा के कोलवा बीच से सिर्फ 400 meters के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस होटल की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफ़ी स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ पूल साइड बैल्कनी भी मिल जाता है। अब यहाँ के आउटडोर एरिया की बात करें तो इस होटल के आउटडोर एरिया में आपको स्विमिंग पूल, पूल साइड रेस्टोरेंट, बार, सिटिंग एरिया, जिम एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे सारी लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में अनमैरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप साउथ गोवा में एक बेस्ट लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो, तो आप गोवा के बहुत ही फेमस रिजॉर्ट सोल वैकेशन रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 4,000 to 5,000 rupees के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। आप इस टाइम इस रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 4,177 rupees देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट साउथ गोवा के कोलवा बीच से सिर्फ 550 meters के डिस्टेंस में लोकेटेड है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज, तो आपके लिए ये रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपको रूम्स काफ़ी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया भी बहुत ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको प्राइवेट बीच, कैफे, बार, स्विमिंग पूल, सनडेक एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, जहाँ आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया जाता है। इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स तो अलाउड नहीं है, बट यहाँ अनमैरिड कपल्स स्टे कर सकते हैं। हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर 1 में आता है साउथ गोवा के बहुत ही फेमस रिजॉर्ट फेनिसिया रिवर साइड रिजॉर्ट, जो कि आपको 4,000 to 5,000 rupees के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 4,900 rupees देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट साउथ गोवा के विलिम विलेज में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होने के कारण यहाँ के रूम में आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा बैल्कनी भी मिल जाता है, जहाँ से आपको साली रिवर का ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ के आउटडोर एरिया आपको बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ रिवर व्यू के साथ स्विमिंग पूल,
सिटिंग एरिया, जिम, सैलून, सोना एंड स्पा ट्रीटमेंट एंड साइकिलिंग जैसे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। सो आई होप आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।